नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फिजिकल चैलेंज क्रिकेट टीम के बारे में जानकारी देते हुए रवि चौहान ने बताया कि पहले देश में फिजिकल चैलेंज की 4 प्रमुख टीमें होती थी। सभी एसोसिएशन को मिलाकर के एक आई कैम्प के नाम से एसोसिएशन बनाई गई है, जिसकी अगुवाई में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम 2 से 13 अगस्त तक इंग्लैंड के बूस्टर शहर में होने वाले दिव्यांग विश्व क्रिकेट कप में हिस्सा लेंगे। इस दिव्यांग विश्व कप में भारत के अलावा इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश की 6 टीमें भाग लेगी। आपको बता दें कि भारतीय दिव्यांग टीम के लिए 22 से 24 जून तक भिवानी में क्रिकेट के मैदान में 3 दिवसीय फिटनेस कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय दिव्यांग टीम के सभी खिलाड़ी 21 जून को हिस्सा लेंगे। 24 जून को भिवानी में ही दिव्यांग क्रिकेट टीम फ्रेंडली मैच का एक आयोजन किया जाएगा, जो कि यह कैंप जो है हांसी मार्ग स्थित जी लिट्रा मैदान में खेला जाएगा और इस कैंप में 250 से अधिक के लगभग खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जाएगा। यह ट्रायल देश के 5 अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। वहीं भारतीय दिव्यांग टीम के कप्तान के रूप में विक्रांत कैनी को चुना गया है। उन्हें उम्मीद है कि दिव्यांग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल, भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अशोक वाडेकर जी यहां खुद आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे अजीत वाडेकर जी के छोटे भाई हैं। अजीत वाडेकर जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने 30 साल पहले दिव्यांग क्रिकेट टीम का गठन किया था। उन्हीं की एसोसिएशन के नाम से हम 4 टीम मर्ज हो गई, 4 एसोसिएशन, और उनके कदमों से ही, उनके नाम से ही वो अजीत वाडेकर वॉरियर के नाम से हम ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भेजी हुई। पहली बार ये जो है वर्ल्ड कप होने जा रहा है फिजिकल डिसेबिलिटीज खिलाड़ियों का, जिसमें 6 टीमें भाग लेंगी, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे है, इंग्लैंड खुद होस्ट कर रहा है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। बड़े अच्छी बात है कि पहली बार ये खिलाड़ी जो है ना वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आप देखिए, अभी एक वर्ल्ड कप चल रहा है, नॉर्मल वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके तुरंत बाद वो स्टार्ट होगा 2 अगस्त से और 13 अगस्त तक ये है। उसके बाद 15 अगस्त को एक मैच है वर्ल्ड 11 का और बाकी इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे, 4 एसोसिएशन भारत में चलती थी और BCCI ने इसमें इंटरफेयर किया। सबा करीम का बहुत बड़ा रोल रहा है हम सबको इकट्ठा करने के लिए, और ये ऑफिशियली इंडिया की क्रिकेट टीम जा रही है, जो कि BCCI की लोडा कमेटी जो काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लोडा कमेटी ने हमें परमिशन दी है। और पूरे भारतवर्ष से लगभग 250 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया, क्योंकि जब 4 एसोसिएशन है तो खिलाड़ी भी बहुत होंगे। खिलाड़ी बहुत है तो पार्शलिटी ना हो किसी खिलाड़ी के साथ और पारदर्शिता से सिलेक्शन हो खिलाड़ियों का। तो हमने रणजी खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लेके एक जो है सिलेक्शन कमेटी बनाई, जिसमें मुंबई एसोसिएशन से सेलेक्टर थे, हरियाणा से, राजस्थान से, कृष्ण धावरी जी जो पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं आपको मालूम है वो उसमें थे, उमेश कुलकर्णी जी टेस्ट क्रिकेटर है वो उसमें चेयरमैन थे उस सिलेक्शन कमेटी के। तो लगभग 250 खिलाड़ियों ने 5 जगह पर ट्रायल करके, अलग अलग जगह, बड़ोड़ा, जम्मू, आगरा, चंडीगढ़, मुंबई, उसमें से 115 खिलाड़ी निकाले जो कि हुबली में टूर्नामेंट कराया गया, उसमें से 31 खिलाड़ी उन्होंने निकाले मुंबई के बदलापुर में जो है उनका कैंप लिया गया 5 दिन का, उसमें से 20 खिलाड़ी छाटे 16+ में 4 स्टैंड बाय। और इतनी बेहतरीन टीम सिलेक्टर्स ने हमको दी है, जिस तरीके से मैंने टीम अनाउंस की थी और टीम के खिलाड़ियों के नाम मेरे सामने आ रहे थे, तो एकदम मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी टीम मैं इस समय कहूँगा। विक्रांत कैनी उसके कैप्टन है। विक्रांत कैनी का जब नाम लेता हूँ तो विराट कोहली का नाम आ जाता है, क्योंकि VK दोनों ही उसी नाम से, विक्रांत कैनी, विराट कोहली। तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि ये टीम जो है इंग्लैंड में भारतीय टीम अपना परचम लहराएगी और देश के लिए पहला जो वर्ल्ड कप है वो हम लोग जीत के लेके आएंगे। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सुरेंद्र जी उसमें उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं उस टीम के लिए। काफ़ी लोग सामने भी आ रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर साहब का एक मैच आया है, रवि शास्त्री साहब ने
मैसेज इंग्लैंड से भेजा था अभी कुछ दिन पहले, राहुल द्रविड़ है, इरफान पठान है, हरभजन सिंह है, काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो अब भिवानी का जो कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर खिलाड़ियों का कंडीशनिंग कैंप जो कि फिटनेस कैंप होता है, टीम जाने से पहले एक फिटनेस कैंप होता है जिसके ऊपर आपका जो ट्रेनर है और जो आपका फिजियो है उन खिलाड़ियों के ऊपर पूरा काम करेगा। ये 3 दिन का पूरा प्रोग्राम है, खिलाड़ी कल 21 तारीख को पहुंच जाएंगे, 22, 23, 24 तारीख तक ये कंडीशनिंग कैंप चलेगा जिसमें खिलाड़ियों की एबिलिटी को, खिलाड़ियों की फिटनेस को, ग्राउंड्स के अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग है। और आपको बताऊँ जो हमारे ट्रेनर हैं वो इंडिया टीम के साथ रह चुके हैं, अमोघ पंडित नाम है उनका, और जो हमारे फिजियो हैं वो राजस्थान रॉयल के फिजियो थे, अभी निरंजन पंडित उनका नाम है। तो काफ़ी मतलब जो एक इंडिया टीम के साथ एक स्टैंडर्डलाइज दिया जाता है वो उसी स्टैंडर्ड से हम उनको एक इंटरनेशनल एरिना में, एरिना के तहत कोचिंग स्टाफ भी दे रहे हैं अच्छे, उनको फिजियो, मसाजर, वीडियो एनालिस्ट, हर तरीके की सुविधाएं हम उनको खिलाड़ियों को दे रहे हैं। तो कल से ये खिलाड़ी आना स्टार्ट होंगे, 22, 23, 24 को ये यहाँ पर कंडीशनिंग कैंप लगेगा, 24 तारीख को मैच भी हम लोग कर रहे हैं, और ज़्यादा उनको ना लगे 15 ओवर का मैच, क्योंकि अभी 15 दिन जो है उनकी फिटनेस के ऊपर काम चलेगा ताकि खिलाड़ी एकदम हेल्पफुल रहें, उनको कोई इंजरी ना हो, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है, लंबा ट्यूर है। तो 25 तारीख हम लोग लंदन चले जाएंगे, एक हफ्ता हम पहले जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशनिंग में हमें ढलना है क्योंकि वहाँ मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है, बारिश भी आती है, 22-23 डिग्री का वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बनी हैं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि BCCI ने खुद हमारे इस क्रिकेट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में लिया, और 20 अक्टूबर से जब इलेक्शन हो जाएंगे BCCI के, तो कुछ दिन बाद डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी का जो गठन है वो हो जाएगा, जिसमें काम करने वाले लोग खुद डिफरेंटली एबल होंगे। वो आदेश सभी स्टेट एसोसिएशन को भी BCCI ने लोडा कमेटी के जरिए दिए होंगे।